नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जीज इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो स्टोरी तो सेम है, सिर्फ दो पॉइंट्स का डिफरेंस है। नंबर वन कि यहाँ पे ई जो है, यानी कि ई सेट नीचे है, टी टू सेट ऊपर है, और आपने जी नहीं यूज करना, राइट। अब साइन ऑपोजिट कर दो, जो ई सेट था उसकी एनर्जी की वैल्यू होती है 6dQ, जब वो ऊपर की तरफ है, हायर सेट की तरफ है, तो वो प्लस होएगा, अगर वो नीचे की तरफ है तो वो माइनस हो जाएगा। हर टी टू सेट में जो इलेक्ट्रॉन जाता है उसकी एनर्जी 4dQ है। अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो वो नीचे है तो -4dQ हो जाएगा, अगर टेट्राहेड्रल है तो ऊपर चला जाएगा तो +4dQ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज D1, तो यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आ गया, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आने का मतलब कॉन्फिग्रेशन क्या होगी, E1। अब एनर्जी क्या आ जाएगी, ऑब्वियसली -6dQ। D2, E2, एनर्जी क्या हो जाएगी, -12dQ। इसी तरह से आप आगे कैलकुलेट कर सकते हो। D3 का मतलब पहले नीचे दो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम, सो लाइक दिस D3, दो इलेक्ट्रॉन नीचे, तीसरा ऊपर। कॉन्फिग्रेशन आप लिखते जाओगे E2 T21, एनर्जी ओवरऑल कैलकुलेट करके आ जाएगी यहाँ पे कितनी हो गई, -12 और +4, तो -8dQ आ जाएगी। इसी तरह से D4 की -4 आ जाएगी। देखो D5 की, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन नीचे 12, तीन ऊपर +12, -12, ओवरऑल 0। D6 में आ जाएगी -6, D7 में आ जाएगी -12, D8 में आ जाएगी -8, D9 में आ जाएगी -4 और D10 में आ जाएगी 0। सो दैट्स ऑल अबाउट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जीज फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस।